पत्नी का रिश्ता सबसे नजदीकी और सबसे विश्वास भरा होता है, तो फिर क्या वजह है कि आज के दौर में कई शादीशुदा जोड़ों के बीच प्यार की जगह नफरत और अपराध ने ले ली है। हमारे देश में शादी को एक बेहद पवित्र बंधन माना गया है, लेकिन आज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की वजह से अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक अंग्रेजी अखबार के अनुसार हमारे देश की फैमिली कोर्ट्स में नाजायज संबंधों के कारण हर महीने 10 से 15 तलाक के मामले आते हैं, और देश भर में जितनी हत्याओं के मामले दर्ज किए जाते हैं उन हत्याओं के पीछे तीसरा सबसे बड़ा कारण होता है नाजायज संबंध। हमारी आज की घटना भी पति पत्नी के रिश्ते के बीच छल कपट और अपराध से जुड़ी है। वाह भाभी, क्या पराठे बनाए आपने, मजा आ गया। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। बैठिए, हमारे साथ ब्रेकफास्ट कीजिए। नो ब्रेकफास्ट, ओनली केला। विशेष, ऑफिस जा रहे हो क्या? क्यों, ड्रॉप करोगे? अरे भाभी, अगर मेरी छुट्टी होती ना तब भी आपको ऑफिस जरूर ड्रॉप करता। नहीं विशेष, अगर छुट्टी है तो छुट्टी बनाओ, आराम करो, इतनी भी परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। अरे भाई, मैं छोड़ देता हूँ। अरे भैया, आप क्यों परेशान हो रहे हो? अरे देवर किस दिन काम आएगा, मैं तो मजाक कर रहा था। अब जब देवर डूइंग फेवर फॉर भैया। अरे मैं लेट हो जाऊं चलेगा? भाभी को लेट नहीं होने चाहिए। तो ठीक है भैया, जा रहा हूं मैं, चलिए। अरे भाई, चाय तो पी लो अपनी। भैया ऑफिस में चाय पी लूंगा, देर हो रही है अभी, चलिए भाभी। और आप जरा लिमिट में खाइए, वजन बढ़ रहा है आपका। अरे भाई खाने दो ना, और वैसे भी अगर मोटा हो गया तो कौन सा तुम मुझे डिवोर्स दे दोगी? ओहो, कैसी बातें कर रहे हैं आप विनोद, मैं भला आपको डिवोर्स कैसे दे सकती हूँ? आई लव यू सो मच। मैं तो बस इसलिए कह रही थी कि अगर ज्यादा खाना खाकर ये ऑफिस जाएंगे तो फिर काम करते वक्त आपको बहुत नींद आएगी। अच्छा ठीक है ठीक है, कम से कम एक कप चाय तो पी लूं अपने दोस्त गणेश के साथ, फिर चला जाऊंगा ऑफिस। और इसी बात पर मैं आपके लिए भी चाय लाती हूँ। जब तक हम दोनों दोस्त एक साथ चाय ना पिए, दिन की शुरुआत कैसे हो सकती है, है कि नहीं? मुझे तो लगता है हम दोनों पड़ोसी कम चाय पार्टनर ज्यादा हो गए। अरे वाह, क्या लाइन बोली है, चाय पार्टनर। वैसे हम चाय पार्टनर कम और दारू पार्टनर ज्यादा है। वैसे दारू पार्टनर लंगोटिया यार से भी गहरे दोस्त होते हैं। तो फिर चाय कैंसिल, शाम को दारू। अरे वाह, जियो मेरे लाल। डन। थैंक गॉड, मैं तुम्हारी बाइक के कारण ना बस के धक्कों से बच गई हूँ। अरे भाभी, आप होती है तो मुझे भी तो अच्छा लगता है। अरे आपकी अच्छी कंपनी मिल जाती है। अपनी भाभी के साथ फ्रॉड कर रहे हो तुम? भाभी, आपके साथ फ्लर्ट करने में ना बहुत मजा आता है। लगता है तुम्हारी भाभी से ना शिकायत करनी पड़ेगी तुम्हारी। अच्छा, सिर्फ भाभी शिकायत करेंगी? अच्छा। अपने पति से नहीं? बिल्कुल, ले जा, धीरे चलो धीरे। अरे भाभी कुछ नहीं होगा, एक काम कीजिए, मुझे कस के पकड़ लीजिए, गिरेंगी नहीं आप। रूपा। हाँ बोलो रूपा। मैं फिसल गई हूँ, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। गॉड, मतलब कैसे? अरे अपने गॉड को बाद में याद करना, पहले प्लीज यहाँ आकर मेरी मदद करो, हेल्प मी। अच्छा सुनो, तुम्हारे घर में हमारे घर की चाबी है, उससे ही दरवाजा खोल लेना, मैं नहीं उठ पाऊंगी, बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी आ जाओ प्लीज। अच्छा डोंट वरी, मैं अभी आता हूँ, ठीक है। रूपा, गणेश मैं बाथरूम में हूं, अंदर आ जाओ। गणेश आउच, गणेश थैंक्स फॉर कमिंग। एक्चुअली अचानक से पैर फिसल गया और इतनी बुरी मोच आ गई, बहुत तकलीफ हो रही है। पहले मैंने सोचा विनोद को फोन करके बुला लूं, फिर वो लगा कि खाम खाई परेशान हो जाएंगे, इसलिए तुम्हें कॉल कर ली। आई होप यू डोंट माइंड। प्लीज
कुछ। बहुत दर्द हो रहा है गणेश। मैं काम करता हूँ, मैं डॉक्टर को बुला देता हूँ। अरे नहीं नहीं, हार्ट अटैक थोड़ी ना आया है, सिर्फ मोच ही तो है। उस ड्रॉर से बाम निकाल कर लगा देना, पहला वाला ड्रॉर। प्लीज लगा दो। हाँ यहाँ। आज सैटरडे नाइट है मेरे दोस्त, आज तबा के पियेंगे। चीयर्स। चीयर्स। अरे रूपा तुम्हारा और ये क्या, आप इस तरह क्या दारू पीने लग गए? पहले विशेष और संध्या को तो आ जाने दीजिए। अरे थोड़ा गला तो तर होने दो। बिल्कुल नहीं, आज आप बिल्कुल लिमिट में पिएंगे, समझे? अरे गणेश, क्या तेरी बीवी भी ऐसे ही टोकती है तुझे? अरे उसका बस चले तो मुझे जीने ही ना दे। क्या? मतलब पीने ही ना दे। लेकिन एक बात तो है गणेश जी, उस पर आपका कोई बस नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि ये अपनी मर्जी के मालिक हैं और संध्या अपनी मर्जी की। क्यों? इसी बात पे एक शेर अर्ज करूं? ऑफ कोर्स। इरशाद, इरशाद मेरे भाई, इरशाद। थैंक यू। कि उसी में इश्क की किस्मत भी बदल सकती थी। वाह वाह वाह। उसी में इश्क की किस्मत भी बदल सकती थी। वाह। जो वक्त बीत गया मुझको आजमाने में, ये कहकर टूट गया शाखे गुल से आखिरी फूल, कि अब और कितनी देर है बाहर आने में। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, सामने है भैया। क्या बात है, क्या कमाल की पार्टी अरेंज की है। मतलब आप सच में भाई कम और दोस्त ज्यादा है। ये ले दारू पी। ये भाभी जी के लिए। मैडम मेरे भाई, मैं तुझे इसलिए पिलाता हूँ ताकि तू नशेड़ी गंजेड़ी लोग से ड्रग्स पीना ना सीख ले। अच्छा संध्या भाभी, आप हमेशा ना दर्शक बनके ना गेम देखती रहती है, आज आप ये गेम मेरे साथ खेलेंगी। मुझे गेम खेलना ही नहीं आता। सो व्हाट भाभी, आफ्टर ऑल अब ये तेवर किस दिन काम आएगा? हा? और वैसे भी पूछिए, रूपा भाभी को भी ये गेम नहीं आता था, सिखाया किसने बताइए भाभी? ऑफ कोर्स संध्या, इसने तो मुझे सिखाया। रियली? एंड ट्रस्ट मी, ही इज अ वेरी गुड टीचर। यकीन मानो संध्या, दिस देवर डज मल्टीपल फेवर। वाओ। तो फिर ठीक है, मैं और संध्या भाभी एक तरफ और आप दोनों एक तरफ। ओके हो जाए शुरू। भाभी आपको ये गेम सिखा रहा हूँ मैं, आप थोड़ा थोड़ा और बैंड हो जाइए। ये जो ये वाइट बल्ब है ना, बॉल, ये स्ट्राइकर है, ठीक है? अ सिंगल कलर दैट इज सॉलिड, स्ट्राइक के सहारे एकदम सुनी आराम से धीरे। जिस तरह से मेरा देवर तुम्हारी बीवी को ये गेम सिखा रहा है ना गणेश, इसमें कोई शक नहीं कि आज ये दोनों तुम जैसे चैंपियंस को कड़ी टक्कर देंगे। अभी क्या पॉकेट गया आपने? अरे यार मेरी बारी नहीं आई, वरना मेरी नजर तो लाल वाली पे ही थी। मुझे अच्छी तरीके से पता है तेरा निशाना किस लाल वाली पे था। साले मैं पूल की बात कर रहा हूँ। हारने पे ना सब ऐसे ही बोलते हैं। राइट। लेकिन गणेश जी एक बात तो आपको माननी ही पड़ेगी, आपकी संध्या है बड़ी छिपी रुस्तम। देखा ना आज मेरे देवर के साथ मिलकर उसने आप दोनों को कितनी तगड़ी टक्कर दी। वैसे ये क्रेडिट गोज़ टू मी, है ना भाभी? हाँ देवर,
आखिर बीवी किसकी है? Absolutely. अरे हाँ, वो तो आप ही हैं। अरे चलो इसी बात पे हो जाए चीयर्स। One, two, three. घर में कोई नहीं है, आ जाओ और विनोद की रानी को अपना बना लो। विनोद की बात मत करो, उसे हम पर कभी भी शक नहीं होगा। इस वक्त कौन हो सकता है? अरे रूपा, रूपा, रूपा! अरे आप इस वक्त घर पर, क्या हुआ? हाँ वो इंश्योरेंस की फाइल भूल गया था, वही लेने आया हूँ, शायद अलमारी में होगी। एक मिनट, मैं देखती हूँ ना। क्यों, क्या हुआ? आप सारी अलमारी खराब कर दोगे ना। जल्दी देखो। ये वाली? हाँ यही तो है। ठीक है मैं चलता हूँ। ये घड़ी किसकी? शायद विशेष की है, काम वाली को नीचे काम करते हुए हॉल में मिली, तो मैंने उससे कहा कि यही मेरे रूम में रख दे। आप चलिए, आपको लेट हो रहा है ना। हाँ एजेंट वेट कर रहा है। हाँ चलिए मैं आती हूँ। आओ। अरे मल्होत्रा जी मेरा वेट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स मैं दरवाजा खोलती हूँ। काम रुकाओ, वहाँ पे पेपर्स के बिना काम नहीं होगा। लंच के बाद दवाई जरूर ले लेना। ओके, डोंट फॉरगेट। श्योर, थैंक यू, बाय, लव यू, लव यू, लव यू, बाय। पति या पत्नी में से जब भी कोई नाजायज रिश्ता बनाता है तो वो इस रिश्ते को छिपाता क्यों है, इसके बारे में झूठ क्यों बोलता है? क्योंकि वो जानता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो अपने जीवन साथी के साथ धोखा है, और जो बात धोखा हो, गलत हो, उसका अंजाम खुशनुमा कैसे हो सकता है? अगर पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर अनबन हो भी जाए तो आपसी बातचीत से उसको सुलझाना ही सही रास्ता है। लेकिन फिर भी आपको लगे बातचीत से उसका हल नहीं निकल रहा है और आपका अपने जीवन साथी के साथ रिश्ता अब और नहीं निभ सकता है, तो फिर आपसी रजामंदी से तलाक लेना उचित है। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग अपने रिश्तों के मान सम्मान मर्यादा को दांव पर लगाकर नाजायज रिश्ते बनाते हैं और कई बार पकड़े जाने के डर से हत्या जैसा घोर अपराध तक कर डालते हैं। कहीं इस केस में भी तो ऐसा ही नहीं होने वाला था? विनोद सो चुका है, तुम घर आ सकते हो।
इंस्पेक्टर साहब, मेरा गणेश किसी को नहीं मार सकता। अगर उसने विनोद को मारा नहीं तो भागा क्यों? मुझे नहीं पता कि वो भागा क्यों है। आप बताइए कि क्या हुआ था। इंस्पेक्टर साहब, हम सब सो चुके थे तभी अचानक डोरमैन बजी। मैंने दरवाजा खोला, सामने गणेश खड़ा था। उसने कहा उसकी विस्की खत्म हो चुकी है, विलो जी से थोड़ी विस्की मांग के आया था। मैंने कहा ठीक है और उसे घर के अंदर बुला लिया। घर के अंदर आते ही उसने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे साथ बहुत बदतमीजी करने लगा। मैंने गणेश को जोर से थप्पड़ मारा, विनोद जी को आवाज लगाई जैसे विनोद जी नीचे आए। उन दोनों में बहुत झगड़ा हुआ लेकिन गणेश ने हॉकी स्टिक उठाकर विनोद जी के सर पर मार दी। विनोद जी वही मर गए। सब गणेश ने मेरे पति को मार डाला। आप उसे जरूर पकड़े और उसे बहुत कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। उसने मेरे विनोद को मार दिया। इंस्पेक्टर साहब, मैं पूरी रात से यहाँ पुलिस स्टेशन में बैठी हूँ और मैं तो जानती भी नहीं हूँ कि गणेश कहाँ है। इंस्पेक्टर साहब, अगर गणेश घर पे आएंगे तो उन्हें मैं यहाँ लेकर आऊंगी आपके पास। प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्लीज। ठीक है जाओ, लेकिन अपने पति को बचाने के लिए हमसे कोई चालाकी मत करना। जी जाओ। प्लीज मत बोलो, मैं फंस जाऊंगा। मेरी बात सुनो, मैंने विनोद को नहीं मारा। तो गणेश तुम भागे क्यों? अरे मैं डर गया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो रूपा मुझे क्यों फंसा रही है। रूपा तुम्हें क्यों फंसाएगी गणेश? मेरी गलती है, मुझे रूपा की सच्चाई तुम्हें पहले ही बता देनी चाहिए थी। लेकिन साधो भोले मत बनो तुम गणेश। रूपा मुझे सारी सच्चाई बता चुकी कि तुम उसके साथ क्या करना चाहते थे। अरे झूठ बोल रही हो। तो सच क्या है? सच ये है कि रूपा एक नंबर की शातिर औरत है। अपने गंदे इरादों की शुरुआत उसने अपने झूठे मोच से की। बहाना बनाकर मुझे अपने बाथरूम में बुलाया और तुम उसके बाथरूम में चले गए। ओ कम ऑन संध्या, मैं तो सिर्फ उसकी मदद करने गया था। संध्या तुम्हें अपने पति पे भरोसा होना चाहिए। अरे इस गंदा सोच उसके दिमाग में था, मुझ में नहीं। आउच। प्लीज लगा दो। अरे रूपा तुम्हारा मुझे उस दिन समझ में नहीं आया कि उसने ऐसे रिएक्ट क्यों किया, लेकिन अगले दिन मैं समझ गया। घर में कोई नहीं है, आ जाओ और विनोद की रानी को अपना बना लो। देखो तुमने अपनी हरकतें बंद नहीं की ना, मैं तुम्हारे पति को बोल दूंगा। कल रात तुम्हारे सो जाने के बाद उस बेशरम औरत ने मुझे फिर SMS किया। विनोद सो चुका है, तुम घर आ सकते हो। विनोद कहाँ है? विनोद, विनोद!
रहा विनोद, कह दो जो कहना चाहती हो अपने विनोद से। मैं सच कह रहा हूं संध्या, तुम्हारी कसम, मैंने विनोद को नहीं मारा है। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना, तो इस मोबाइल का इनबॉक्स चेक करो, इस मोबाइल में उसके सारे एसएमएस कैद हैं। चेक इट। सही नहीं कर रहे हो। चल। इस मक्कार औरत की बातों में आ गई हूँ। मैंने विनोद को नहीं मारा है। चलो। मैंने नहीं मारा है संध्या। चलो। जब एक झूठ बोलने वाला अपने झूठ को छिपाने के लिए हजार झूठ बोल सकता है, तो फिर एक अपराधी अपने अपराध को छिपाने और उससे बचने के लिए हजार झूठ क्या एक नया अपराध भी कर सकता है। यह सिर्फ मेरा या पुलिस का नहीं, आम लोगों से लेकर क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट तक सबका मानना है, बल्कि यूं कहिए कि यह एक जांचा परखा सच है। तो क्या गणेश ने अपनी पत्नी संध्या को जो कुछ बताया वो सब कुछ सच था, या फिर खुद को अपनी पत्नी की नजरों में सही साबित करने के लिए गणेश ने झूठ बोला था? क्या थी असलियत? ये सारे एसएमएस गणेश को आपने किए थे? उधर क्या देख रही हो? मेरी तरफ देखिए, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। ये एसएमएस आपने ही भेजे थे गणेश को? जी, मैंने ही ये मैसेजेस गणेश को भेजे थे। आई कांट बिलीव दिस रूपा, गणेश तुम्हें इग्नोर कर रहा था और तुम उसे। मैं मानती हूँ कि ये मैसेजेस मैंने गणेश को भेजे थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गणेश बेकसूर है, समझे तुम? चिल्लाइए मत। और ये बताइए कि क्यों एसएमएस भेजे थे आपने? सर, वो मेरा और गणेश का अफेयर चल रहा था और इसकी पहल गणेश ने ही की थी। झूठ कह रही हो तुम रूपा? नहीं, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैं मानती हूँ कि मैंने गलती की है और इसके लिए आप मुझे जो भी सजा देना चाहेंगे मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ सर, लेकिन प्लीज आप गणेश को मत छोड़िएगा, उसे तो फांसी ही होनी चाहिए क्योंकि उसने मेरे पति का कत्ल किया है। अगर आप इतनी सच्ची हैं तो मर्डर वाली रात आपने मुझसे झूठ क्यों बोला था? जी, उस वक्त मोहल्ले के और भी लोग मौजूद थे वहां पर। ठीक, लेकिन आप सच्चाई पर जरा रोशनी डालेंगी? पहले तो आपने बयान दिया था कि वो आपसे शराब मांगने आया था, अब शायद आप ये कहेंगी कि इस बार वो आपसे रोमांस करने आया था, क्योंकि एसएमएस भेजकर तो आपने ही उसे बुलाया था। मैं सही कह रहा हूं? सर, मैं मानती हूं कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। अब आप सिर्फ हमें ये बताइए कि गणेश ने क्यों और किन हालात में विनोद की जान। तुमसे पूछा नहीं कि इतनी रात को तुम कहाँ जा रहे हो? वो भी विनोद की तरह कूड़ी बेच के सो रही है। Really? Yeah. How sweet. Thank you for coming, Ganesh. So nice of you. Ganesh! विनोद मेरी बात तो सुनो। विनोद मेरी बात सुनो। मैं मानती हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है,
लेकिन मैं हर किस नहीं जानती थी कि गणेश अपना आपा खो बैठेगा और मेरे पति को जान से मार देगा। संध्या जी, आपका क्या ख्याल है, रूपा जी सच कह रही हैं या आपके पति? मैं इंस्पेक्टर साहब नहीं जानती कि कौन सच्चा और कौन झूठा है। संध्या जी, क्या आपने कभी अपने पति से झूठ बोला है किसी भी मौके पर? तो आपको मान लेना चाहिए कि आपके वफादार पति आपसे झूठ बोल सकते हैं। देखिए संध्या जी, हॉकी पे आपके पति की उंगलियों के निशान और मर्डर के बाद वहाँ से भाग जाना, ये सारे सबूत उसके खिलाफ हैं। इससे ये जाहिर होता है कि वो कहीं ना कहीं मुजरिम है। संध्या, हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गणेश से संबंध बनाने से पहले मैंने तुम्हारे बारे में जरा भी नहीं सोचा। गलती तुमसे नहीं हुई रूपा, गलती तो मुझसे हुई है। शायद मैं गणेश को वो प्यार ही नहीं दे पाई जिस प्यार की वजह से वो मुझसे दूर और तुम्हारे पास आया। हाय विशेष, ऑफिस से ड्रॉप नहीं करोगे? ठीक है, आओ। विशेष, एक बात कहूँ, इंसान जिस रिश्ते में जितना ईमानदार होता है उसे उतना बड़ा धोखा भी मिलता है। खैर इन बातों को छोड़ो, वैसे भी मैं तो अब जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं अकेला बिल्कुल फील नहीं करना चाहती अपने आप को, और मैं जानती हूँ विशेष मेरे साथ तो तुम हो। You. शर्म नहीं आती अपनी भाभी के साथ ये सब करते हुए? क्या तुम्हें भैया ने कभी वो खुशी दी है जो मैं दे सकता हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई विनोद के बारे में ये सब कहने की? तुम्हारे भैया को मरे अभी 13 दिन भी नहीं हुए हैं और तुम उनके बारे में इतनी गंदी बात बोल रहे हो। Oh, I'm so sorry, my baby. लेकिन अगर मैं तुम्हें ये थप्पड़ नहीं मारती तो फिर तुम मेरे कैसे बनते? हाँ, तुम्हारा थप्पड़ भी तो प्यार लगता है मुझे। रियली? रूपा, रूपा कहाँ है इतना सुबह सुबह?
इतनी सुबह सुबह तुम विशेष के रूम में क्या करने गई थी? वो विशेष ने मुझे कहा था कि आज सुबह से जल्दी जगा दो, इसीलिए। रूपा, तुम्हारा इस तरह उसके कमरे में जाना ठीक नहीं, तुम्हारा उसके बेडरूम में गई ठीक नहीं होगा। भैया को हम दोनों पे शक हो गया। इसलिए तो कहती हूँ कि विनोद को जान से मार। मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो ना तुम? पागल हो गए हो क्या तुम? मुझे जेल जाने का कोई शौक नहीं है। तुम भी ना बिल्कुल डरपोक हो। तुम सिर्फ विनोद को जान से मारो। जेल भेजने के लिए ऑलरेडी मैंने एक बकरा ढूंढ रखा है। वेरी स्मार्ट हाँ? हाँ, ये तरीका अच्छा है। ये तो बड़ा ही सती सावित्री टाइप है। तो क्या हुआ, हंसेगा तब भी वही। ओके। विनोद इस वक्त घर पर नहीं है, आओ उसकी रानी को अपना बना लो। देखो तुमने अपनी हरकतें बंद नहीं की ना, मैं तुम्हारे पति को बोल दूंगा। अरे यार ये तो फंस ही नहीं रहा। फंस जाएगा, पर पहले मुझे अपने बाहों में तो फंसे रहने दो। शेष हाँ, वो इंश्योरेंस की फाइल भूल गया था, वही लेने आया हूँ। एक मिनट, मैं देखती हूँ ना। बाय, लव यू। लव यू, लव यू, बाय। आज तो बच गए, लेकिन विशेष कुछ तो करना ही पड़ेगा। इस तरह छिप छिप कर कब तक मिलते रहेंगे हम लोग? और फिर वो बकरा गणेश भी तो नहीं फंस रहा है। आज की रात ये विनोद भी मरेगा और गणेश भी फंसे। चलो गणेश को मैसेज करके बुलाओ। विनोद सो चुका है, तुम घर आ सकते हो। मैंने पूछा विनोद कहाँ है? रियली गणेश, लेकिन मुझे तो लगा था कि तुम मुझसे मिलने आए हो। विनोद, विनोद, ये रहा विनोद। कह दो जो कहना चाहती हो अपने विनोद से। विशेष, इतने विनोद को मार दिया। मैंने नहीं मारा। विशेष, क्या प्लान बनाया तुमने? हाँ, मर्डर वेपन हॉकी पे लगे उसकी उंगलियों के निशान, लोगों की गवाही और उसका भागना सब उसके खिलाफ गया। अब बिना किसी डर के, बिना किसी की परवाह किए हुए हॉल में, बेडरूम में, किसी भी वक्त कुछ भी कर सकते हैं और हमें रोकने वाला, हमें देखने वाला कोई भी नहीं है ना। किसका मैसेज है? वो बॉस का है। ओके।
so sorry. लेट हो गई थोड़ी सी. रात को नींद ही नहीं आ रही थी. इतनी बेचैनी हो रही थी मुझे. तुम्हें कोई भी जरूरत हो ना तो मुझे बताना. ओके. थैंक यू विक्रेश. थैंक यू सो मच. चले. तू मुझ पर शक क्यों कर रही हो? वो तो उसके घर पे शॉर्ट सर्किट हुआ था ना, वही देखने के लिए गया था बस. ओ, तो तुम इलेक्ट्रिशियन हो? अरे बेबी, मेरा मतलब इलेक्ट्रिशियन नहीं हूँ, पर फ्यूज बनाना तो आता है ना. मैं तो तुम्हारी खिंचाई कर रही थी, तुम्हारी टांग खींच रही थी. तुम्हें बुरा लगा क्या? घबराए हुए क्यों? सिट. आई नो योर फेवरेट ड्रिंक. आई गेट इट. White wine. Thank you. So let's enjoy. Cheers. Cheers. चलो अब बताओ, क्या कहा है तुमने अपनी रूपा भाभी को? बताया उन्हें तुमने कि तुम मुझे पसंद करते हो? शक तो बहुत हो रहा था उन्हें, पर मैंने उनका शक दूर कर दिया. कैसे? तुम भी कहां लेकर बैठ गए उनकी बातों को? सेना. अरे बताया ना, शक हो रहा था उन्हें, पर मैंने मौका नहीं दिया उन्हें शक करने का. विशेष, I'll kill you. कुछ नहीं है. अच्छा, तुम समझते हो कि तुम मुझे उल्लू बना लोगे? ये सब चालाकियां तुम मेरे साथ नहीं कर सकते, समझे तुम? भाभी, मेरा इंटेंशन कुछ भी नहीं था. तो क्या था तुम्हारा इंटेंशन? मैं तो पहली बार आया था, संध्या ने बुलाया था, और ऐसा कुछ भी नहीं जो तुम समझ. अच्छा, तो ये सब क्या था? विशेष, तुम इतना क्यों डर रहे हो रूपा से? भाभी है वो तुम्हारी, पर मुझे तो लगा जैसे तुमने मेरे और अपने अफेयर के बारे में रूपा को सब कुछ बता दिया है. संध्या, तुम क्या कह रही हो? रूपा, I mean, भाभी ऐसा कुछ भी नहीं है, ये झूठ बोल रही है भाभी. अच्छा, पर वैसे तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? एक टाइम पे तो तुम्हारा अफेयर भी मेरे पति के साथ चल रहा था, तब तो मैंने कुछ नहीं कहा. और गुस्सा तो तुम्हें ऐसे आ रहा है जैसे विशेष तुम्हारा देवर ना होकर पति हो. इसे तो सब कुछ पता चल गया विशेष, तभी तो इसने मुझे फोन करके तुम्हारी और अपनी सारी बातें सुनाई. और तुम्हें लगता है तुम ये सारी बातें पुलिस को बताओगी, राइट? लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी. मैं तुम्हें माफ कर तुम्हारे इस प्यारे से कमरे के उस प्यारे से पंखे पर लटका दूंगी. और हाँ, साथ में बहुत प्यारा सा सुसाइड नोट छोड़ दूंगी, जिसमें लिखा होगा कि अपने पति की बेवफाई से दुखी होकर तुमने आत्महत्या कर ली. हाँ संध्या. Hey!
सब लेकिन सर मेरी बात तो सुनिए, आपने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया सर, हमारी बात तो सुनिए। सर मैंने कुछ सुना, मेरी बात तो सुनिए। सर मेरी बात तो सुनिए। संजय जी, हमें रूपा के शक, रूपा का देवर विशेष इन दोनों के साथ ही रहता है। जी सर। विशेष की अपनी भाभी के साथ केमिस्ट्री कैसी है? वो एक नंबर का फ्लर्ट है, हो सकता है कि उसने रूपा ने कुछ मिलकर प्लान किया हो। देखिए अगर ये लोग मुजरिम हैं तो खतरा आपकी जान को भी है। मैं अपने पति को बेकसूर साबित करने के लिए कोई भी खतरा मोल ले सकती हूँ। माना उन दोनों का आपस में नाजायज रिश्ता है, पर विनोद को इन दोनों ही नहीं मारा है इस बात का कोई सबूत नहीं है हमारे पास। सर अगर वो सच्चाई को खुद कबूल कर ले तो? देश में ऐसी महिलाओं की अनगिनत कहानियां हैं जो अपने दृढ़ निश्चय, अपने साहस के बल पर अपने पति को मौत के मुंह से भी बचा लाई। संध्या भी ऐसी ही एक महिला थी जिसने अपनी हिम्मत के दम पर अपने पति गणेश को हत्या के इल्जाम से बरी करवाया। दिल्ली सेशंस कोर्ट में चले इस केस में विनोद की पत्नी रूपा और उसके भाई विशेष को विनोद की हत्या के लिए आईपीसी के सेक्शन 302 और गणेश के खिलाफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए सेक्शन 120 बी के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। हमारा और हमारे परिवार का जीवन कैसा हो ये हमारे और परिवार के अन्य सदस्यों के हाथ में। परिवार के किसी भी एक सदस्य का गलत कदम, एक भटकी हुई सोच सिर्फ उस सदस्य का नहीं पूरे परिवार का जीवन तबाह कर सकती है। याद रखिए, धोखा देना बहुत आसान है पर विश्वास कीजिए, रिश्तों को बनाए रखना, विश्वास को बनाए रखना कहीं ज्यादा सुखद, कहीं ज्यादा फलदायक। अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी जुर्म से जंग की ऐसी एक और हौसले भरी सच्ची कहानी के साथ। सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ।